Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and exam की preparations भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी आपकी. तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी. जी हाँ, एक न्यू जॉब की अपडेट लेकर आई हूँ जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से, कांस्टेबल की वैकेंसी 2024 की रिगार्डिंग. फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है. इसके लिए टोटल सीट आपका 6000 रहेगा, फॉर मेल कैंडिडेट 5000 एंड फीमेल्स के लिए 1000. देखिए, ये ग्रुप सी की पोस्ट है तो हरियाणा की वैकेंसी, लेकिन दूसरे राज्य के बच्चे, ऑल इंडिया के कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं. इस वैकेंसी को कंडक्ट कराया जाता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC के थ्रू. आगे जानेंगे इसकी बाकी की सारी डिटेल, लेकिन अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारा कुछ देखना चाहते हैं, तो वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए. चलिए फिलहाल देखें कि ये 6000 सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरी वाइज. मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बताऊंगी. देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए पहले जान लेते हैं. फॉर जनरल कैंडिडेट 1800 यानी 1800 पोस्ट है. SC वालों के लिए 900 यानी 900 है. BCA के लिए 700, BCB के लिए 400 एंड EWS के लिए 500. ओवरऑल मेल कैंडिडेट का टोटल 5000 सीट्स है. फीमेल्स के लिए जनरल का 360 है, SC का 180 रहेगा, BCA का 140, BCB के लिए 80 रहेगा और EWS के लिए 100. ओवरऑल 1000 सीट है. अब देखिए, जो दूसरे राज्य के बच्चे होंगे उनको यहाँ पर एज अ जनरल काउंट किया जाएगा, तो जो जनरल कैंडिडेट के लिए सीट है वही अदर स्टेट वाले बच्चे भी उसी में काउंट होंगे. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. आगे बता दूं कि अप्लाई की डेट क्या रहेगी. देखिए, प्रीवियसली इस फॉर्म को अप्लाई कराया गया था 20 फरवरी से 20 मार्च. तो जिन भी कैंडिडेट ने 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में अप्लाई कर दिया था उनके लिए ठीक है. अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, किसी कारणवश फॉर्म पूरी ना कर पाए थे, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी. और जो नए कैंडिडेट है, नए सिरे से अप्लाई करना चाहते, वो सब अप्लाई कर पाएंगे. 29 जून से इस फॉर्म का रीओपनिंग हो गया, लास्ट डेट 8 जुलाई रहेगा. तो अगर किसी कारण से आपका छूट गया था, अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जल्द आप अब इसको अप्लाई कर दीजिए. देखिए, अप्लाई करते वक्त आपसे कोई चार्जेस भी नहीं लिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात होती है. कैंडिडेट्स के ऊपर एक बर्डन नहीं रहेगा. 0 रुपीज आपकी फॉर्म चार्ज है, चाहे वो किसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, अदर स्टेट वाले बच्चे, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है. एज की जो लिमिट रहेगी ना, एज ऑन 1 फरवरी 2024, मतलब कि 1 फरवरी 2024, जैसा कि पहले वैकेंसी में था, सब कुछ सेम रहेगा. 1 फरवरी 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 25 वर्ष के बच्चे अप्लाई करेंगे. और आपको पता है कि अपर एज में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 वर्ष का और SC ST को 5 वर्ष यानी 5 ईयर्स का, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा. आगे बता दूं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन. देखिए, जिन्होंने भी 10+2 यानी कि इंटर पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आपने इंटर पास किया है, तो आप एलिजिबल रहोगे. साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके 10th क्लास के सब्जेक्ट के लिए. देखिए, हिंदी या फिर संस्कृत, दोनों में से कोई एक विषय आपके 10वीं का विषय होना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल हो पाएंगे. देख लेते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किन किन स्टेज को पार करने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा. देखिए, टोटल 5 स्टेज रहेगा. पहले स्टेज पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपका शारीरिक मापदंड लिया जाएगा, हाइट, चेस्ट वगैरह. उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, जिसमें रनिंग होती है. फिर आपका रिटन एग्जाम होता है जिसका वेटेज 94.5% होता है. तो बाकी के 5.5% जो वेटेज होते हैं ना, वो आपका DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो मार्किंग की जाती है. 3% स्कोर NCC कैंडिडेट्स के लिए है. 2.5% स्कोर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो कि सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे होंगे उनको 2.5% का वेटेज दिया जाएगा. आई होप कि आप समझ रहे होंगे.
लास्टली आपका सिंपल सा मेडिकल होता है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगी, कॉलिंग लेटर, आपको कॉल लेटर जाएगा और आप ज्वाइन कर जाओगे। तो ज्वाइन करने के पहले हम लोग देख लेते हैं सभी स्टेज को प्रॉपर अच्छे से डिटेल में। देखिए, सबसे पहले बताया है कि PMT होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेल फीमेल दोनों के लिए बताऊंगी। सबसे पहले आपका हाइट मेजर होता है, तो मेल कैंडिडेट में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए, जो अनारक्षित होंगे उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है, रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर रहेगा। फिर फीमेल्स कैंडिडेट की बात करें तो जनरल के लिए आपका यहाँ पर 158 जो अनारक्षित है सभी वर्ग, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 156 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 83-87 और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 81-85, मतलब कि 4 सेंटीमीटर का चेस्ट में एक्सपेंशन चाहिए होता है। फिर आपको पता है कि PMT के बाद PET होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग यानी कि आपका दौड़ का टेस्ट होता है। मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर की रनिंग होती है, उनको 12 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होती है, उनको 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है। वहीं पर जो एक सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होती है और उनको 5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो ये दोनों स्टेज आपके क्वालिफाइंग होते हैं। तो जब PET में क्वालिफाई हो जाओगे तब आपका रिटेन एग्जाम होता है, और फ्रेंड्स ये ऑफलाइन पेपर होता है, पेन एंड पेपर मोड से OMR सीट पर परीक्षा देनी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इंडिया में कहीं से भी किसी राज्य से अप्लाई करोगे, आपका एग्जाम हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जाम सेंटर होगा वहां पर कराया जाएगा, तो आपको हरियाणा में जाके एग्जाम देना होगा। आपको पहले ही बता दिया है कि 94.5% इसका वेटेज होता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं 94.5 मार्क्स के लिए, समय आपका 90 मिनट्स यानी कि डेढ़ घंटे का रहेगा, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है, जहां पर कुछ कंफ्यूजन लगे उसको भी आप टिक करके आ सकते हो, गलती करने पर आपका स्कोर नहीं डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं बताया गया है, जो नोटिफिकेशन में है उसमें सब्जेक्ट बस बता दिया है कि किन किन सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा। जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, जनरल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करेंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर नॉलेज। मतलब कि सीधी बात ये जानी है कि जो नॉर्मली आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं SSC वगैरह के लिए, सब कुछ सेम ही रहेगा। हाँ, अब हरियाणा राज्य के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं तो हरियाणा से रिलेटेड GK GS आपसे पूछा जाएगा, तो उसकी तैयारी थोड़ा अलग से स्ट्रांग करके जाइएगा। तो एग्जाम में भी जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तब आपका DV हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, फिर ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो आप हरियाणा में एज ए कॉन्स्टेबल ज्वाइन करते हैं तो सैलरी आपको जो दी जाती है शुरुआती दौर में 21,700, मतलब कि 21,700, बाद में उसको बढ़ा के 69,100, मतलब कि 70,000 के अप्रॉक्स सैलरी कर दी जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे मिस ना करें। 8 तारीख तक डेट है तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दे। सीट की आप जो देख रहे हैं संख्या, टोटल 6,000 है, जल्दी जल्दी इतना अच्छा वैकेंसी आता नहीं है। तो तैयारी की स्पीड को भी बूस्ट करिए, प्रीवियस ईयर का सेट लगाइए, मॉडल पेपर बनाइए, और हाँ, हरियाणा का करेंट अफेयर्स और GK GS जरूर पढ़ के जाइएगा। आई होप कि अभी इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अभी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो संकोच नहीं करना है, कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यूजफुल लगे एक लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।